फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप बी का सॉल्यूशन का जो पार्ट है इसको हम लोग देख रहे हैं, पार्ट्स परमिलियम। इसके पहले जो है सो हम लोग और भी पढ़ चुके थे कंसंट्रेशन टर्म में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे। आज जो है सो हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स परमिलियम, जो कि यह जैसे इसको ग्रुप बी में रखा गया था। और मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म को दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए थे, ग्रुप ए एंड बी। और ग्रुप ए एंड बी में डिफरेंस मैंने बता चुका था कि ग्रुप ए में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सभी का सभी जैसे वॉल्यूम रिलेटेड है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ग्रुप बी में जो है जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वह सभी का सभी मास रिलेटेड है और वह टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी बात हम लोग जो है सो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, लेकिन आज जो है सो हम लोग यह देख रहे हैं पार्ट्स परमिलियम का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन पार्ट्स पर मिलियन parts of a solution is called as parts per million। यह जो कहता है number of parts of a component present in per million parts of a solution is called as parts per million। यानी यहां से और भी हम लोग लिख सकते हैं ppm of a component is equal to mass of a component components in gram upon total mass of a solution into 10 to the power 6। ये इसका एक छोटे से फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो है यहां पर कहता क्या है इसको भी जैसे ग्राम में ही लेंगे। अब यहां से लिख सकते हैं इट इज ए कंसंट्रेशन यूनिट यूज फॉर ए सबस्टांस विच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी in a solution or air। यानी कहने का मतलब कि यह जो है पार्ट्स पर मिलियन जो है यह जो है सो इसको मेजरमेंट के लिए हम लोग जो है सो सोल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन में जो है सो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ज्यादा SO2 का पॉल्यूशन है या CO2 का पॉल्यूशन है, या फिर कहीं पर जो है सो वाटर का जो इम्प्यूरिटी मिलता है, जैसे कहा जाता है कि इसमें इतना DDT का कंसंट्रेशन है तो इसमें इतना BSC का कंसंट्रेशन है जो कि जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो भी जो है सो हम लोग इसका मेजरमेंट जो करते हैं वो पार्ट्स पर मिलियन में ही करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर लिखा भी गया है
यह जो है सो कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका यूज जो है सब्सटेंस के लिए किया जाता है, जो कि ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है सो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन और एयर में। तो इस तरह से जो है सो ये पार्ट्स पर मिलियन के लिए जो कहा गया है कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। तो इस तरह से जो है सो यहाँ पर जो है सो इसका जो है सो मतलब कॉन्सेप्ट जो दिया गया है। खैर यह पार्ट पर मिलियन बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट को रखना है, लेकिन हो सकता है कि यह पार्ट्स पर मिलियन जैसे कभी कभी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, या इसे जो है सो क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सकता है। तो इस पर जो है सो हम लोग जब बात करते हैं तो केवल इसको कंसंट्रेशन टर्म को जो है सो ध्यान रखेंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे। अब जो है सो इस पर हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन जो है सो सोल्व होगा। तो यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें कहता है कि कैलकुलेट द पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2 गैस इन 250 मिलीलीटर वाटर, यानी कि यहाँ पर जैसे वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 250 मिलीलीटर या 250 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी इसका दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कंटेनिंग 5×10^-4 ग्राम ऑफ SO2 गैस, यानी यह जो SO2 गैस का मास दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो है सो हम लिख सकते हैं, यहाँ से जो गिवन जो है, यानी यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि मास ऑफ SO2 गैस आपको दिया हुआ है 5×10^4 ग्राम। अब यहाँ से जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O दिया हुआ है 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब यह इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, या फिर अब जो है इसका डेंसिटी जो है दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह जैसो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को फॉर्मूला में जैसो क्या कहता है कि पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। तो देखिए यहाँ पर जो है इस वाटर का जो है सॉल्यूशन तो अब जो बनेगा, तो इसमें जो है ये वाटर जो है सो 250 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको जो है सो हमको मास निकालना होगा। तो अब जो है सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे जल्दी, देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से इसको कर दें। अब जो है हमको वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास यहाँ से निकल सकता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वी, यानी कि यहाँ से ही मिल जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए जब भी हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यह जो है मास ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू जो है वॉल्यूम दिया हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए इसको। तो अब जो है सो यहां से हो गया क्या 250 ग्राम, ये जैसे वाटर का मास आ गया। तो अब जो है इतना करने के बाद यहां से हम लिख सकते हैं कि पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2 गैस, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ SO2 गैस अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब यहां से वाटर कर देते हैं, यहां पर जैसे H2 आ गया × 10^6। तो यहां से हम लिख सकते हैं यह जो मास ऑफ SO2 जो है 5 × 10^4 ग्राम अपॉन, अब यहां से देखिए इसका वाटर के लिए 250 ग्राम और इंटू 10^6
देखिए यहां से ये 4 से ये कटेगा, 4 बचेगा 2, 2 से एक इधर जो है एक ये भी कट जाएगा तो बचेगा 10। अब 10 यहां बचेगा यानी 50, और 50 से जैसे इसको जो काटेंगे तो यहां से कट जाएगा यानी कि यहां से आ जाएगा 2। तो यह जो है इसका आंसर जो है आया। तो इस तरह से जो है सो कहने का मतलब है यह जैसे 2 ppm होगा। अब देखिए कि यहां से जो इसका आंसर जो कहता है कि इसके लिए जो है सो हम ppm of SO2 गैस इसका जो निकालना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ जो है सो वाटर का जो वॉल्यूम दे दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन डेंसिटी भी किया है। तो इसका मतलब कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम। तो मास जो है सो इसका मिल जाएगा, और जब मास मिल जाएगा तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इस पर जो है सो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि इस तरह से जो है आप जो है सो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट यदि है तो आप आसानी से इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी आएगा उसको जो है आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट जो है आप कॉन्सेप्ट पर जो है सो कंसंट्रेशन लाइए कि कॉन्सेप्ट किस तरह से हम सीखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और जब कॉन्सेप्ट आप में डेवलप करता है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उसका आप आंसर जो है इजी वे में बहुत कम समय में, लेकिन हाँ कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन का आप एक्यूरेट आंसर जो है सो नहीं दे सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद उसका प्रोसेस, उस प्रोसेस से किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, क्या दिया हुआ है, क्या उसमें प्राप्त करना है, और जब वो आ गया तो आप जैसे हल्का कैलकुलेशन आपके पास है तो आसानी से क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म जो बचा हुआ उसको लेकर, और उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे।